हो तुम लोग? हम लोग कलर कर रहे हैं। अम्मा ये सब देखिए। हुसैन हॉर्स कलर कर रहा है। हुसैन आंसर। हुसैन तुम क्या कर रहे हो? कलरिंग बोलो। हुसैन क्या कर रहे हो? कलर कर रहे हो? कहाँ पे? यहाँ पे। और हुसैन क्या है? अच्छा लेट हिम आंसर बेटा। आई आस्क यू आल्सो, ये क्या हो रहा है? ये किस पे कलर कर रहे हो? व्हाट इज दिस? हाँ इस पे। ये क्या है? क्या हाँ ये काठी हॉर्सी बुक बोलो। हॉर्सी और कहाँ कलर कर रहे हो? बुक बोलो। और एक हॉर्स पे और मैं ये कलर यहाँ कलर कर रहा हूँ और उसे यहाँ कलर कर रहे हो। व्हाट इज दिस? ये है टेंट। नाइस डू इट। Hey viewers, welcome to another vlog of Sania's Pen. तो as per title, शुरू करते हैं हमारा vlog और मैं बताने लगी हूँ आपको Black & Decker 1 cup coffee maker के बारे में। एक क्यूट से लुक के साथ बहुत ही कॉम्पैक्ट कॉफ़ी मेकर है जो 1 cup coffee के लिए बहुत ही सही है। तो आइए चलते हैं इसके गुड और बैड फीडबैक की तरफ। अनबॉक्सिंग के साथ मुझे इसमें सबसे पहले एक मैनुअल मिला जिसमें इसकी सारी डिटेल लिखी हुई है और साथ ही एक सेरेमिक मग भी है। तो अब मैं इसे आपको खोलकर दिखाती हूँ कि ये अंदर से किस तरह से है। ये जो मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद है ये इसका फिल्टर है जो कि प्लास्टिक और नायलॉन से बना हुआ है और ये बहुत ही छोटा सा इसमें हॉट वाटर आउटलेट दिया हुआ है और यहाँ पर ये इसका प्लग है जिसे हमें कॉफ़ी बनाने से पहले प्लग इन करना है और यहाँ पर एक लाइट दी हुई है और साथ ही बटन दिया हुआ है। सारे फीचर्स मैं आपको इसके दिखा चुकी हूँ तो चलिए अब हम इसमें कॉफ़ी भी बना लेते हैं। कॉफ़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कॉफ़ी को फ़िल्टर में डाल दिया है और अब मैं इसे कम्प्लीटली फिल कर दूंगी। स्पून की हेल्प से इसे हमें ठीक तरह से सेट कर लेना है। अब हॉट वाटर आउटलेट को हमें इसकी तरफ टर्न कर देना है। अब यहाँ पर जो मैं फिंगर से आपको दिखा रही हूँ ये यहाँ पर मैक्सिमम का मार्क लगा हुआ है यानी कि आपको पानी इससे ज़्यादा ऊपर नहीं फिल करना है। सारी सेटिंग के बाद अब हम प्लग इन करेंगे। मुझे थोड़ी मुश्किल इसलिए हुई प्लग इन करने में क्योंकि मेरा जो सॉकेट है वो दूसरी तरफ है और मैं इस तरफ कनेक्टर का यूज़ करती हूँ। सो एनीवेज दोस्तों मैंने फाइनली प्लग इन कर दिया है और कॉफ़ी मेकर के बटन को भी मैंने ऑन कर दिया है। ये देखिए यहाँ पे रेड लाइट ऑन हो गई है। मैंने मग लगाने में थोड़ी देर कर दी थी तो थोड़ी कॉफ़ी निकल कर बाहर आने लगी है। आप बटन ऑन करने से पहले मग ज़रूर लगा दीजिएगा। मैंने यहाँ पर उस सेरेमिक मग का यूज़ नहीं किया है जो इसके साथ फ्री आया था क्योंकि अपने रेगुलर मग में कॉफी पीने की बात ही कुछ और है। तो ये देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं पास से बहुत ही अच्छी तरह से इसमें से कॉफी एक्सप्रेस हो रही है। बहुत ही जबरदस्त खुशबू भी आ रही है कॉफी की और ये देखिए अब इसमें से कॉफी गिरना बंद हो गई है यानी कि ये कम्प्लीटली इसमें से कॉफी फिल्टर हो चुकी है और जो ये बटन रेड है ये अपने आप स्विच ऑफ हो जाएगा जब आपकी कॉफी कम्प्लीटली इसमें से फिल्टर हो जाएगी। अब इसमें आप चाहें तो शुगर ऐड कीजिए, मिल्क ऐड कीजिए, जैसे भी चाहें आप इसे पी सकते हैं। और अब हम बात करेंगे जो चीज़ें मुझे इसमें सही नहीं लगी। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इसका जो टॉप कवर है वो बहुत तेज़ गर्म हो जाता है। सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू टच द अपर पार्ट ऑफ दिस। और सेकेंड थिंग ये है कि अगर आपने इसके नीचे मग नहीं रखा कॉफ़ी बनने के बाद तो ये नीचे थोड़ा मेस कर देगा। ओवरऑल मेरा रिव्यू इसके लिए थम्स अप है। दुबई में रहने वालों के लिए मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैंने इसे नून से ख़रीदा है, बहुत ही ज़बरदस्त सेल चल रही है नून पे तो मुझे ये काफ़ी डिस्काउंट में मिला है। और अगर आप इंडिया या पाकिस्तान में रहते हैं तो आपको ये 1100-1200 के बीच में आसानी से मिल जाएगा लेकिन मैं ऑनलाइन परचेज की बात कर रही हूँ। तो दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में इसके रिव्यू आप भी ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको मेरा फीडबैक कैसा लगा। हमारे घर में हस्बैंड कॉफ़ी के बहुत शौकीन हैं इसलिए मेरे लिए तो ये बहुत काम की चीज़ साबित हुई। जब घर बैठे इतनी आसानी से एक्सप्रेसो कॉफ़ी मिल जाए तो फिर क्या कहना। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी को जो कि है एक बहुत ही टेस्टी स्नैक जो कि बहुत ही आसानी से घर पर बन जाता है जिसका नाम है वेज पफ पेस्ट्री। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग इट। एक फ्राइंग पैन में मैंने 1 tablespoon ऑयल ले लिया है, उसमें 1 teaspoon जीरा और चॉप्ड अनियंस डालकर उसे थोड़ा सा सौते कर लिया है। उसके बाद अब मैं उसमें 1 teaspoon जिंजर, 1 teaspoon गार्लिक ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 teaspoon टर्मरिक, 1 teaspoon कोरिएंडर पाउडर और 1 teaspoon रेड चिली पाउडर। उसके बाद मैंने 1/2 teaspoon क्यूमिन सीड पाउडर और 1 teaspoon गरम मसाला इसमें ऐड करके इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और साथ ही मैंने यहाँ पर 1 cup फ्रोजन
ग्रीन पीस लिया है यानी कि मटर। अब मटर को हमें इसी मसाले के साथ अच्छी तरह से कुक कर लेना है यहाँ तक कि मटर बहुत अच्छी तरह से गल जाए। Now time to add salt as per your taste. मटर अब अच्छी तरह से गल चुके हैं और अब मैं इसमें 3 मीडियम साइज के पोटेटोज यानी कि आलूओं को मैंने बॉईल कर लिया था और उसे अच्छी तरह से मैश कर लिया है। अब मटर और आलू को हमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है यहाँ तक कि इसके सारे मसाले एक दूसरे के अंदर यकजा हो जाएं। आलू के समोसों से दिल किसी का भी कभी नहीं भर सकता, लेकिन हाँ अगर कभी आपका दिल चाहे कि कुछ मुख्तलिफ खाएं आलू के समोसों के अलावा तो आप आलू की पफ पेस्ट्री इस तरह से बनाकर ज़रूर खा सकते हैं। आप चाहें तो इसमें ग्रीन चिलीज भी ऐड कर सकते हैं, मैंने बच्चों की वजह से इसमें ऐड नहीं किया है। और हरा धनिया डालकर मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं हमारी पफ पेस्ट्री। पफ पेस्ट्री की शीट बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाती है। अब मैंने पफ पेस्ट्री की एक शीट ले ली है जिसमें मैंने 1 टीस्पून भरकर आलू डाल दिया है। मैं उसी मेजरमेंट से सारी पफ पेस्ट्री बनाऊंगी ताकि सब इक्वली पफ करें। सब तरफ से कोनों को अच्छी तरह से हमें दबा लेना है, फिर एक फोक की मदद से इस तरह से इस पर मार्क कर देना है यानी कि डिज़ाइन बना लेनी है। है ना कितना आसान बनाना? मुझे तो ये समोसों से ज़्यादा काफ़ी आसान लगता है क्योंकि इसमें कोई शेप बिगड़ने या सुधरने का चांस ही नहीं है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि ना आटा गूंदने की टेंशन और ना आपको समोसा शीट बनाने की टेंशन। मैं इस रेसिपी को रमज़ान में अक्सर बनाती हूँ और दोपहर से ही बनाकर इसे फ्रिज में रख देती हूँ और अफ्तार से 1 घंटे पहले मैं इसे फ्रिज से बाहर निकाल लेती हूँ और ओवन में इसे बेक करने के लिए रख देती हूँ। और जिनके घर में ओवन नहीं है उनके लिए बहुत आसान तरीका है बनाने का। आप एक पुराने से पतीले को यानी कि बड़े से पॉट को गर्म कर लीजिए और उसके बॉटम में कोई ऊंची चीज़ रखकर जिस प्लेट में या जिस बर्तन में आप इसे बेक करने के लिए रखना चाहते हैं उसे उस ऊंची चीज़ के ऊपर रख दीजिए। लेकिन उससे पहले आपको इसकी जो मेन स्टेप है वो करनी होगी जो मैं आपको अभी आगे बताऊँगी। तो दोस्तों यहाँ पर सारी पफ पेस्ट्री बनकर तैयार हैं। अब मैं इस पर एग वॉश कर लूँगी अच्छी तरह से। यहाँ पर मैंने सिंपली अंडों को फेंट लिया है, आपकी जितनी क्वांटिटी हो पेस्ट्री की उस हिसाब से आप अंडा लीजिए। मैंने यहाँ पर 2 अंडे लिए हैं और उसे अच्छी तरह से फेंट कर अब मैं ब्रश की हेल्प से इसके ऊपर इस तरह से एग वॉश कर दूँगी। मैंने इसे एग वॉश करने से पहले बटर शीट पर रखा है। आपके पास बटर शीट नहीं भी है तो भी कोई बात नहीं, आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन वैक्स पेपर पे या बटर शीट पे रखने से ये चिपकती नहीं है। मैंने इन्हें प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री पर करीब 15 से 20 मिनट के लिए बेक करने के लिए रख दिया है। इस वीडियो के बाद मेरे पास ना तो कोई पिक्चर है इसका ना ही कोई वीडियो अवेलेबल है। मोबाइल की चार्जिंग कम्प्लीटली ख़त्म हो चुकी थी और ये इस तरह से ख़त्म हुई कि इसका नामो निशान भी नहीं बचा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और जो नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा वरना आप भूल जाएंगे। दोस्तों मुलाकात होती है फिर किसी नए टॉपिक पे और नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ।